बयात आप ना करेंगे। वजह क्या थी हजरत, मुझ जैसा कम अक्ल, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा, मुझ जैसा बेअक्ल इंसान आलम तसव्वुर में बारगाह इमाम अली मकाम में अरीजा पेश करता है, या इमाम यजीद यजीद की बयात आपने कबूल क्यों नहीं की। आपके बड़े भाई इमाम हसन ने उनके वालिदे मोहतरम हजरत अमीर माविया को चंद शरायतों के एवज में अपनी अपना सब कुछ दे दिया था, अपनी हुकूमत उन्हें दे दी थी और कहा आप ही खलीफा हो, लेकिन आपने यजीद की बयात कबूल ना की। तो अल्लाह की कसम जवाब मिलता है, ए नादान अताउल्लाह रज़वी सुन, हमने बयात इसलिए कबूल ना की कि यजीद फासिक था, हमने बयात इसलिए कबूल ना की कि यजीद शराबी था, हमने बयात इसलिए कबूल ना की कि यजीद तारिकुन नमाज था, हमने यजीद की बयात इसलिए कबूल ना की कि यजीद हुदूद शरिया का तोड़ने वाला था। ए मुसलमानों, मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप गौर करना, आज हम बड़े से बड़ा जलसा करा लेते हैं, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आता है, एक तारीख से 10 तारीख तक हम और आप या हुसैन या अली, या हुसैन या अली, या हुसैन या अली का विर्द कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा कैरेक्टर यजीदी होता है, वहीं पर हमारा किरदार यजीदी होता है, वहीं पर हमारे अमल यजीदी होते हैं। आप कहेंगे अताउल्लाह रज़वी पागल ना बनो, हमारे कैरेक्टर यजीदी कैसे हो गए, हमारे किरदार यजीदी कैसे हो गए, हमारे अमल यजीदी कैसे हो गए। तो हाँ, के उस निजामत के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यजीद चाहता था कि कलमा पढ़ने वाली कौम शराब पीने वाली बन जाए, यजीद चाहता था कलमा पढ़ने वाली कौम कुरान से दूर हो जाए, यजीद चाहता था कि कलमा पढ़ने वाली ये कौम तालीम इस्लाम से दूर हो जाए, यजीद चाहता था कि कलमा पढ़ने वाली ये कौम उसके सीने से मोहब्बत रसूल निकल जाए, लेकिन उसके बराक हुसैन पाक चाहते थे मेरे नाना जान का वो कलमा पढ़ने वाला नमाज से कभी दूर ना हो, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वाला कुरान से कभी दूर ना हो, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से कभी दूर ना हो। ए सुन्नी दयालु जयालु के उस निजामत के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप सब अपने अपने दामन का मुहासबा करो तो पता चलेगा कि हम मस्जिद से कितने दूर हो गए, हम मदरसे से कितने दूर हो गए, हम कुरान से कितने दूर हो गए, हम नमाज से कितने दूर हो गए, हमारी औलादे यही नई जनरेशन ये नई पीढ़ी शराब से कितनी करीब हो गई, बदकुमाशी के कितने करीब हो गई, अय्याशियों के कितने करीब हो गई, और ये अय्याशी करे ये यजीद चाहता था, शराब पिए ये यजीद चाहता था, बेनमाजी बने ये यजीद चाहता था। तो मैंने क्या गलत कहा साहब कि हम तो नाम जबान से हुसैन का लेते हैं लेकिन कैरेक्टर और किरदार यजीदियत है, कैरेक्टर हमारा यजीदी है, किरदार हमारा यजीदी है, चलना हमारा यजीदी है, बोलना हमारा यजीदी है। ए मुसलमानों, अगर आप दोनों जहान में कामयाबी चाहते हो तो जहां जबान हुसैनी लगे वहां हमारा उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना सब हुसैनी लगे, ताकि हमारी दुनिया भी सवर जाए उकबा भी सवर था नजर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम माशाल्लाह। कामयाब होते नजर आए, नजरियात को आपने देखा, घर को लुटाया अल्लाह अल्लाह, सर को कटाया करबल में शक, सुभान अल्लाह, बोल के सुनिए बोल के, या हुसैन हुसैन। हमारे बूढ़े चचा से गुजारिश है, अगर आप मुझसे तकलीफ नहीं रखते तो खुदा के वास्ते आका इमाम की मोहब्बत में दोनों हाथों को फिजाओ में लहरा लीजिए, इसलिए कि उलमा कहते हैं तो कहा कहते हैं कि जो कोई इंसान आका इमाम की मोहब्बत में अपने हाथों को बुलंद कर लेता है ऐसे इंसान को अल्लाह हर आफत से महफूज फरमा देता है। माशाल्लाह, दोनों हाथों को फिजाओ में फिर एक बार लहराइए और मचल कर बोले या हुसैन या हुसैन। दीने की खातिर क्या बात है, घर को लुटाया सर को कटाया करबल में, दीने की खातिर
खातिर घर को लुटाया सर को कटाया करबल में। देने की खातिर घर को लुटाया सर को कटाया करबल में। देने की खातिर सर को कटाया घर को लुटाया करबल में। घर को लुटाया करबल में। मैं हूँ हुसैनी मैं हूँ हुसैनी मैं हूँ हुसैनी। कोई आदमी खामोश ना रहे। मैं हूँ हुसैनी इब्ने अली का नारा लगा कर जाऊंगा। क्या बात है। हूँ हुसैनी जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्ने अली नारा लगा कर जाऊंगा। इंशाल्लाह कभी हाजिरी हुई होगी हमारी और आपकी मुलाकात होगी। बस यहीं पर ईमान की ताजगी के लिए हम सब पढ़ लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का सारे लोग विर्द कर लें मोहब्बत से।